तो गाइज आप लोग देख सकते हैं ये इन्हीं छोटे छोटे बच्चों के साथ वो शिवानी जी काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाते हैं और ये बच्चे बहुत क्यूट हैं और इनके साथ काफ़ी ज़्यादा उनका रील्स आप लोग देखे होंगे और ब्लॉग भी। गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों मैं हूँ अभी फफूंद रेलवे स्टेशन पर। मैं बता दोस्तों कि आज का ब्लॉग एकदम इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज मैं आप लोग को मिलवाने वाला हूँ शिवानी ऑफिशियल, शिवानी कुमारी ऑफिशियल से। दोस्तों मैं बता दूं कि ये फफूंद स्टेशन जो है एक गलत नाम रखा गया क्योंकि यह दिव्यापुर होना चाहिए। दिव्यापुर में फफूंद नहीं है, फफूंद यहाँ से लगभग 9-10 किलोमीटर अलग है। तो यहाँ पे दिव्यापुर हम किसी से पूछे कौन सा जगह है तो दिव्यापुर है ही नहीं। लगभग यहाँ पे तो हज़ार आदमी रोज़ ऐसे ही घबरा जाते होंगे। लेकिन छोड़िए उससे हमको क्या लेना देना है, हम तो घबराइए गए हैं। शिवानी कुमारी जो ऑफिशियल है उनका मिलियनों में व्यू आता है दोस्तों, मतलब वो वीडियो कैसा भी डाल देगी तो लगभग मिलियन में व्यू आ ही जाता है। और उनका इंस्टाग्राम पे एकदम स्टार है, इंस्टाग्राम का 2 मिलियन वहाँ पे फॉलोअर्स है और यूट्यूब पे लगभग 9,11,000 उनका सब्सक्राइबर है। तो दोस्तों वीडियो में बन रहेगा, आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होगा। हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे और तरह तरह का क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल करेंगे, तो आपको मज़ा आने वाला है। आपको शिवानी से ज़रूर मिलाऊंगा पक्का, ठीक है। तो चलते हैं उनके घर की ओर। ये स्टेशन का कुछ व्यू देख सकते हैं, ये फफूंद रेलवे स्टेशन है। देखिए यहाँ पे फफूंद लिखा हुआ भी है और अभी मॉर्निंग का 5:29 हो रहा है। अभी सनसेट भी नहीं निकला है, नहीं तो सूरज निकलता तो हम आपको दिखाते हैं, सुबह सुबह दर्शन कराते हैं। तो चलते हैं दोस्तों उनके घर की ओर। तो गाइज अभी मैं ऑटो में बैठ चुका हूँ, लगभग यहाँ से 9 किलोमीटर है और 20 रुपये किराया है। स्टेशन से आपको मात्र 10 कदम आना है, मतलब 100 मीटर की दूरी पे। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऑटो मिलते रहता है और गाड़ी चलते रहती है, आपको रिजर्व करने की ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं, उसके बाद आपको मिलवाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम अभी अरियारी पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं इसी ऑटो से आ रहे हैं। यहाँ पे चरमोहान है, मैं बता दूं कि यहाँ से मतलब गांव में उनका जाने में मतलब 500 मीटर दूर अंदर उनका घर है। तो चलते हैं उनके घर की ओर और यहाँ का मैं थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ ताकि आप लोग आएँ तो घबराए नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं चरमोहान है और इस गाँव का नाम है अरियारी। ये अरियारी गाँव में उनका घर है शिवानी कुमारी ऑफिशियल का, और इसी रोड में अंदर चलना दोस्तों, अंदर चलते हैं। गाइज मैं बता दूं कि ये मैदान जो दिख रहा है ना, यहाँ पे बाज़ार लगता है, यानी कि सब्जी मंडी। तो एक बार वो बाज़ार करने आई थी, लगभग यहाँ से उसको 500 मीटर दूरी पे घर है, और तो बरसात का मौसम था, उसका चप्पल टूट गया था। तो चप्पल टूट गया था तो हाथ में लेकर के बोल रही थी, वीडियो बना दी, हाय फ्रेंडा हमारा चप्पल टूट गया है, ऐसे कुछ करके मतलब फनी टाइप पे बनाई वीडियो और उसका वीडियो वायरल हो गया था। उसी से वो पॉपुलर हो गए और चमक गए, धीरे 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 ऑडियंस उसके पास आने लगा। गाइज आप लोग देख सकते हैं ये स्कूल है, यही स्कूल उनका वीडियो में बार बार वो दिखाते हैं और इधर आकर के वो वीडियो बनाते थे। और हम लोग काफ़ी नज़दीक पहुँच ही गए हैं, देख सकते हैं उनका घर के सामने में पेड़ पौधा है और शायद सामने वाला घर है, नया वाला तो यही लग रहा है। हाँ यही शिवानी का घर यही है। तो चलते हैं अब नज़दीक दोस्तों और आपको अच्छी तरह से दिखाते हैं इनका घर। देख सकते हैं गाइज यही उनका घर है, एकदम न्यू बना हुआ है। YouTube से पैसा वो बहुत कमा रहे हैं एक तरह से मानो तो, YouTube से इतना वो पैसा कमाए कि अच्छा खासा एक घर बना लिए। और ये सब बच्चे लोग का पहचान रहे हैं, ये उनका वीडियो में काफ़ी बार आते हैं हमेशा, ये बच्चे के साथ वो रील्स वगैरह बनाती रहती है, वीडियो बनाते हैं। तो चलिए इन्हीं बच्चे से कुछ कुछ पूछते हैं सवाल है, और शायद दीदी होंगे तो उनसे भी बात होगी। तो गाइज अभी आया है इनके घर से नाश्ता, देख सकते हैं चाय और दलमोट, तो इसको खाते हैं फिनिश करके उसके बाद बच्चे लोग से बातें करते हैं। इनके साथ बहुत सारे वीडियो में बच्चे लोग आते हैं, तो दीदी है नहीं घर पे तो अब बच्चे लोग से ही बात करेंगे। सबसे पहले ये बताओ तुम लोग कि दीदी घर पे है कि नहीं? नहीं है, नहीं है ना। अच्छा कब गए घर से, कितना दिन हो गया? 3-4 दिन हो गए। 3 दिन की 4 दिन? 3 दिन। 3 दिन सच बात है, दीदी नहीं है घर पे ना। अच्छा उनके वीडियो में, उनके वीडियो में सबसे बढ़िया डांस कौन करता है तुम लोग में से, चारों के बच्चे बताओ? ये करती है। अच्छा वीडियो बनाती कौन है अपने से कैमरा लेकर के? एक एक ये तुम बना लेती हो अपने से, है ना। चलो ठीक है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं ये इन्हीं छोटे छोटे बच्चों के साथ वो शिवानी जी काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाते हैं और ये बच्चे बहुत क्यूट हैं और इनके साथ काफ़ी ज़्यादा उनका रील्स आप लोग देखे होंगे और ब्लॉग वीडियो में भी देखे होंगे। दीदी कब तक आएंगे? अभी पता नहीं मुझे। कस के बोलो पता नहीं है। पता नहीं है, चलो ठीक है जाओ। अब क्या पूछे तुम लोग से? तो गाइज आ करके मतलब 700 किलोमीटर दूर से बिहार से यूपी आकर के मतलब समझो कि एकदम बेकार हो गया क्योंकि मिल नहीं पाए।
तो क्या ही करें। अरे भाई बताओ, आप लोग खुद से सोचो, किसी स्टार का या कोई फेमस रहेगा तो उसके पास लाख तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो और रिप्लाई नहीं देता है। तो घर का ब्लॉग बार बार डाल रहे थे तो हम सोचे शायद वो घर पे आए हैं तो घर पे ही होंगे, तो हम चले आए मिलने उनसे, लेकिन नहीं मिल पाए। लेकिन आप लोग सोचिए यार कि कितना कष्ट हुआ होगा मुझे आने में उतना दूर से, बिहार से यूपी। तो मेरा मेहनत के लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। देख सकते हैं उनका ये घर बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा है और काफ़ी अंदर खूबसूरत घर है यार। तो गाइज मिल तो नहीं पाए, अब जा रहे हैं घर, फिर अब नौटंकी चालू अभी से। आज तीसरा दिन हो चुका है यूपी में मेरा, तो अभी शायद लगता है एक दिन और रहने पड़ेगा, क्योंकि अभी टेक चैंपियन सर से जा रहा हूँ मिलने। देखते हैं वो भी मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं। तो मेहनत करता हूँ यार, मेहनत में पीछे नहीं हटता मैं। अब वो नहीं है घर पे तो उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं बताइए, उसमें मेरा क्या दोष है। अब है ही नहीं है घर पे तो हम क्या करें। उसका घर का ब्लॉग शूट किए, बच्चे लोग से मिले, उनके मम्मी को बोले वीडियो में आइए, तो बोले नहीं मेरा तबीयत ख़राब है नहीं आएंगे। छोड़िए कोई बात नहीं, हमारा मेहनत के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर लाइक करें सब्सक्राइब करें यार। काफ़ी ज़्यादा दूर से आया हूँ यार, सोचो कितना मेहनत लगा होगा। आप लोग तो सिर्फ बैठे बैठे वीडियो देखते हो ना, कहाँ है बिहार कहाँ है यूपी। बस इतना ही समझ के लाइक और सब्सक्राइब, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।